इस संसार में श्रवण से बढ़कर के कोई और जीवन को सन्मार्ग पर ले जाने का साधन दूसरा नहीं है। आप वेदांतियों की दृष्टि से विचार कर लें और चाहे भक्ति की दृष्टि से विचार कर लें, आपको श्रवण के बिना गति नहीं है। वेदांतियों के यहां तीन शब्द कहे जाते हैं, श्रवण, मनन और तीसरा कौन, निदिध्यासन। श्रोतव्य, मंतव्य और निदिध्यासितव्य आत्मा वा अरे। उपनिषद में कहा जाता है कि श्रवण करो पहला, और दूसरा है बोले मनन करो, और तीसरा है उसको अपने आचरण में उतारो। तो श्रवण पहला है वेदांतियों की दृष्टि से, और यदि भक्ति की चर्चा करें, भक्ति मार्ग की, भाव मार्ग की चर्चा करें, तो वहां भी पहला नवधा भक्ति में सबसे पहली भक्ति का नाम है श्रवणा भक्ति। अच्छा पहले बताओ, नौ प्रकार की भक्ति है ना, कितने प्रकार की भक्ति है बोलो, नौ प्रकार की। हम बता दें तो कह दीजिए कितने प्रकार की है, नौ प्रकार की है। उनमें सबसे पहली भक्ति का नाम है श्रवण। श्रवणम कीर्तनम विष्णो, दूसरी कीर्तन है पर पहली श्रवण है। और बताएं आपको, श्रवण नहीं करोगे तो कीर्तन कहां से करोगे? यदि आप श्रवण नहीं करोगे तो किसी दूसरे को कैसे सुनाओगे? सुनना तो पड़ेगा ही। एक शब्द है शुश्रूषा, आपने सुना होगा कि शुश्रूषा माने सेवा के अर्थ में प्रयुक्त होता है। शुश्रूषा माने कहते हैं लोग सेवा, पर ऐसी बात नहीं है। शुश्रूषा माने सेवा नहीं है, अथवा ये कहो कि शुश्रूषा ही सेवा है। शुश्रूषा शब्द का अर्थ है श्रवण करने की इच्छा। श्रोतुम इच्छा शुश्रूषा, श्रवण करने की इच्छा ही शुश्रूषा है। उसका तात्पर्य है कि साधक अपने गुरु के सम्मुख, गुरु के सानिध्य में, गुरु के समीप शुश्रूषु बन करके रहे। शिष्य अपने गुरु के पास में, आचार्य के पास में शुश्रूषु बन करके रहे। सेवक अपने स्वामी के पास शुश्रूषु बन करके रहे, माने हर पल उसके कान अपने गुरु के मुख से निकले हुए शब्द को श्रवण करने के लिए लालायित रहे। और आजकल होता क्या है बोले, सेवक बैठे हुए हैं मोबाइल लिए हुए और ऊपर से कान में लगा लिया है, वो क्या लगाते हो, अब बुला रहे हैं, हाँ अरे भाई, अरे पता ही नहीं है भाई साहब को कौन बुला रहा है। पिता परेशान आवाज दे दे करके, पर पुत्र को, संतति को पता ही नहीं क्या है। और जरा सी मोबाइल की कोई छोटी सी मैसेज आने की कोई क्या होती हो, वाइब्रेट पर भी लगा हो ना, तो जिसको माता पिता की, भाई बंधु की, संत गुरुजन की बात समझ में नहीं आती, सुनाई नहीं देती, उसको वाइब्रेशन पर लगे हुए मोबाइल की झंकार भी पता चल जाती है कि बुला लिया किसी ने, कान खड़े हो जाते हैं। शुश्रूषा माने श्रवण करने की ललक, श्रवण करने की तीव्र लालसा, कब मेरे गुरुदेव का आदेश हो और कब मैं उनकी इच्छा के अनुरूप कार्य का संपादन करूं। सेवक ऐसा हो जो स्वामी की इच्छा को पूर्ण करने के लिए उनके मुख से शब्द निकले और अविलंब उसको संपन्न करने के लिए तत्पर हो जाए। इसलिए प्रथम भगति, यहां तुलसी बाबा ने थोड़ा संशोधन कर दिया, श्रवणा भक्ति से पहले कहा कि प्रथम भगति संतन कर संगा। वो क्यों कहा, बोले श्रवण को यदि आप व्यवस्थित नहीं करोगे तो जो श्रवणीय नहीं है उनके चक्कर में पड़ गए तो भटक जाओगे। इसलिए किसको सुनना है, बोले संतों के सानिध्य में बैठोगे तो पता चलेगा क्या सुने क्या ना सुने। और मैं आपको बताऊं, श्रवण इतना महत्वपूर्ण है
श्रवण से बढ़कर के हमको नहीं लगता कोई और दूसरा मार्ग है अध्यात्म में प्रवेश करने का, कोई दूसरा मार्ग है परमात्मा का सानिध्य पाने का, कोई दूसरा मार्ग है आत्म चेतना के परिष्कार का, कोई दूसरा मार्ग है आत्मोद्धार का। श्रवण पहला दरवाजा है।